नमस्ते, मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको अपनी एक समस्या बताने जा रही हूँ। ये सिर्फ मेरी ही समस्या नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव की महिलाओं की समस्या है, जिनमें से एक मेरी माँ भी है, जो हर वक्त अपने चेहरे को घूंघट में ही छिपाए रखती है। बोला और उनसे पूछा कि वो पर्दा क्यों करती हैं, लेकिन उनका जवाब हर बार यही होता है कि इस तरह से वो अपने बुजुर्ग लोगों की इज्जत करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी माँ घूंघट में इतना सारा काम कैसे कर लेती है, जैसे चूल्हे पर खाना पकाना, झाड़ू लगाना, भैंसों के लिए खेतों पर से चारा लाना और फिर उस चारे को मशीन पर काटना, सब कुछ घूंघट में। और हाँ, जब मुन्ना प्यार से माँ की तरफ लपक कर आता है और ज़मीन पर नीचे गिर जाता है, तब माँ उसे संभालने से बजाय पहले अपना घूंघट संभालती हैं। लेकिन वो भी क्या करे, उनकी भी तो मजबूरी है ना। पर कभी भी माँ का चेहरा थोड़ा सा भी दिख जाता है या घूंघट ऊपर हो जाता है तो दादी माँ उन्हें बहुत बुरा भला कहती हैं और कभी कभी तो पिटाई भी लगा देती हैं। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घूंघट इसलिए करते हैं कि हम बड़े बूढ़े ऐतराज करते हैं कि उनकी क्यों घूंघट उठाती हो, इस मारे हम घूंघट करते हैं, उसकी बड़े बूढ़े की लाज रखते हैं उनकी, बहुत अपने बस से चलना है उनकी, और बढ़िया करके नहीं आ उनकी कोई बुरा भला नहीं सोचे हमें। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं दादी माँ के दिमाग से, अपने गांव वालों के दिमाग से पर्दे की कुप्रथा को बिल्कुल खत्म कर दूंगी। मैं आज से बल्कि अभी से इसके लिए काम शुरू करूंगी। मैं अपनी मम्मी को, अपनी दादी माँ को, अपने गांव वालों को समझाऊंगी, क्योंकि यह भी महिलाओं का एक अधिकार है कि वे भी पुरुषों की तरह आजाद है। और मैंने भी अभी निश्चय कर लिया है कि मैं भी पर्दा बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या आप सब